एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश जहां भारत को हेकड़ी दिखाते रहते हैं, वहीं एक दूसरा मुस्लिम देश सऊदी अरब भारत के साथ लगातार अपनी दोस्ती और रिश्ते को मजबूत कर रहा है। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा किया था। 2019 में पीएम मोदी का दूसरा सऊदी दौरा था। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में और प्रगाढ़ता बढ़ी है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पीएम मोदी की कई बार मुलाकात हो चुकी है। ऐसा तब है जब पाकिस्तान सऊदी अरब को अपना करीबी दोस्त बताता है। भारत और सऊदी अरब दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों में एक कड़ी और तब जुड़ गई जब सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए एक बड़ी घोषणा की। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि अब भारतीय नागरिकों को उसके देश का वीजा हासिल करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में सऊदी दूतावास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस ट्वीट में कहा गया कि सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया है। दूतावास की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को वीजा हासिल करने के लिए अब पीसीसी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ये फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को और बेहतर करने के लिए उठाया गया है। दूतावास ने कहा कि वह सऊदी अरब में शांतिपूर्वक रह रहे 20 लाख भारतीय नागरिकों के योगदान की सराहना करता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है। इस वजह से भी हर साल हजारों लोगों का सऊदी जाना होता है। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय भारत में हर साल करीब 10 अरब डॉलर से ज्यादा भेजते हैं। सऊदी अरब के विभिन्न सेक्टर में करीब 70 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। यही नहीं, सऊदी अरब में कार्यरत 300 से ज्यादा कंपनियों में भारतीय या तो पार्टनर हैं या उसके मालिक हैं। सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर और रेस्टोरेंट भी हैं। चूंकि विदेशों में नौकरी करने के लिए वर्क वीजा लेना होता है, इसके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, इसलिए यही अनिवार्यता सऊदी अरब के लिए भी थी। बगैर पीसीसी के भारतीयों को वीजा जारी नहीं किया जाता था। इसके पीछे मकसद यह है कि साफ सुथरे छवि वाले लोग ही किसी विदेशी धरती पर रहने के लिए जाएं। ऐसे में सऊदी अरब का फैसला लाखों भारतीयों के लिए राहत की खबर है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।